जाओ किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुम्हें बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूँ, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक। बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। याद है कौन किसको गोल बना रहा है ज्यादा? अब खेल तो चल रहा है, सब इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा आता है। एक शब्द है एक, जिसे मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं, एग्जैगरेशन नहीं, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है, संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट। हित, जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है, और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया, है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे? एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में 10 साल से, अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक। नहीं लगी? लगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है। मत करना।
मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगे, हम लोगों सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो, हमने कहा अंगूठी लगा पहनी हो, बोली हाँ, हम कभी उसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। वहां मूवी देखने जाते हैं तो आगे की जो रो की पूरी सीट होती है पूरा बुक करा लेते हैं, हम तो खैर बाहर ही बैठते हैं, हाँ बच्चे देखते हैं सब अंदर बैठ के, और उनको एक ही शर्त होती है कि पूरी मूवी का शॉर्ट नोट लिखना है। और नहीं लिख पाओगे तो यही मारेंगे हॉल में, घर पे नहीं मारेंगे, यहां 50 लोगों के सामने। और तुमको लगता है सबके सामने नहीं मारेंगे, सबके सामने मारेंगे, और जो बीच में आके कहेगा कि अरे बच्चे को मार रहे, उसको भी 2-3 फाइट मारेंगे। कोई लोग लंबरदार बन जाते हैं ना, अरे अरे भाई साहब बच्चा है, तुम्हारा है, नहीं नहीं भाई साहब। तो जब तुम ये समझने लगते हो कुछ चीजें, जब तुम समझने लगते हो तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती, शादी फादी मत जाया करो किसी की, अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए, शादी वादी कि हाँ तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है तब जरूर जाओ, चाहे पढ़ाई का नुकसान हो चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना, कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है, तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देते हैं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। तो कोई ये देखो, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कहीं तुम देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन फ्रांस रूस जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहे, और पहले विश्व युद्ध में तीनों दोस्त हैं। रूस 1917 में क्या हो गया, साम्यवादी कम्युनिस्ट, अमेरिका कैपिटलिस्ट, जापान को लगा कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोस्त हो गए। क्यों? इसलिए इसको बहुत इमोशनली मत लिया करो, अरे ये पहले दुश्मन थे, यहां मूर्ख दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय और चल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मां बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं, उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो ही है पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो, परेशान होने की जरूरत नहीं है।